जी अस्सलाम वालेकुम। तो व्यूअर्स, आज हम विज़िट कर रहे हैं सत्यरुष मेट्रो स्टेशन का, और मैं दिखाऊंगा कि पुर्तगाल में जो मेट्रो स्टेशन है वो किस तरह के हैं। और हमारा जो जर्नी होगा वो होगा सत्यरुष मेट्रो स्टेशन से लेकर कॉलेज ऑफ मिलिटार तक। तो ये आउटर एरिया है सत्यरुष मेट्रो स्टेशन का, आप देख सकते हैं कि, और साथ में ये इलेक्ट्रिक साइकिल्स जो हैं वो लोग यहाँ पे हायर कर सकते हैं। साथ में ही जो लोकल बस स्टेशन है और मर्सिडीज़ बेंज का शोरूम भी है, और इसके दूसरी साइड पे रेड एक्सप्रेसो टर्मिनल रोदिवारियो बस टर्मिनल है जो पुर्तगाल के डिफरेंट सिटीज़ को एक दूसरे से मिलाता है। और ओरेंट में भी बस स्टेशन है, बड़ा शॉपिंग जो है वो मेट्रो स्टेशन है। यहाँ पर मिमी स्टोर है किड्स की, क्लॉक का, सिकॉल कॉफ़ी शॉप है। पुर्तगीज़ जो हैं वो कॉफ़ी के दिलदादा हैं और काफ़ी पी जाती है यहाँ पर कॉफ़ी। इसके साथ में जो है तबकेरिया है, पलेरिया है। इसके बारे में आपको बताऊं कि पुर्तगीज़ पेपर जो लोग हैं वो पेपर जो हैं वो बहुत पढ़ते हैं, न्यूज़पेपर्स जो, और यहाँ पर काफ़ी जो न्यूज़पेपर सेल किए जाते हैं। इसके साथ मज़ीद जो हैं वो शॉप्स हैं जिनमें शूज़, पर्सेस और लेडी ड्रेसेस सेल किए जा रहे हैं। हमारा जर्नी है कॉलेज ऑफ मिलिटार तक। तो अभी हम मेट्रो स्टेशन के अंदर जाएंगे और अपनी डायरेक्शन का तयन करते हुए अपना सफ़र जारी रखेंगे। जो पुर्तगाल में मेट्रो का जो सफ़र है वो बड़ा फास्ट और सिक्योर है, और अगर कभी आप स्टक हो जाएं ट्रैफिक वगैरह में और आप लोकल ट्रांसपोर्ट पर सफ़र कर रहे हैं और आपकी मीटिंग है, तो टाइम की शॉर्टेज से बचने के लिए आप जो है मेट्रो को ज्वाइन करें, क्योंकि मेट्रो में जो है वो ट्रैफिक का इशू नहीं आता और आप बआसानी अपनी मंजिल तक पहुंच जा सकते हैं। तो हमारी जो मेट्रो वो आ चुकी है। दिया कि स्टेशन का क्या नाम है ताकि पैसेंजर को आसानी हो सके अपने डेस्टिनेशन तक जाने के लिए। तो अभी स्टेशन आया है आल्तोतोष मीनूष मोइनूष, और जैसा कि वी नो डैट पुर्तगाल जो है वो कॉर्क का प्रोड्यूसर है, तो इस मेट्रो की जो सीट्स हैं वो भी कॉर्क से बनाई गई है। हमारा मेट्रो स्टेशन आ चुका है कॉलेज ऑफ मिलिटार। पुर्तगाल के अंदर जो मेट्रो का सफ़र है वो सेफेस्ट है, फास्टेस्ट है, और जो है वो इतना एक्सपेंसिव भी नहीं है। हम मेट्रो स्टेशन से बाहर निकलने वाले हैं। कार्ड्स टच किया, हम बाहर आ गए। यहाँ पर भी जो है वो टिकट लेने के लिए मशीन्स हैं, आप यहाँ से ले सकते हैं टिकट। तो ये था लिस्बन की मेट्रो का सफ़र। उम्मीद है आपको मज़ा आया होगा ये जर्नी देखकर, और आपको पुर्तगाल के कैपिटल लिस्बन की जो मेट्रो है
उसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन मिली होगी। नेक्स्ट वीडियो तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।